वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर भारत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हुआ। लंबी बीमारी के बाद चलते विनोद दुआ का हुआ है निधन। मौत की खबर से मीडिया जगत में शोक की लहर। बेटी मल्लिका दुआ ने सोशल मीडिया पर दी है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर भारत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हुआ है। जहां लंबी बीमारी के चलते विनोद दुआ का हुआ है निधन। मौत की खबर से मीडिया जगत में शोक की लहर। बेटी मल्लिका दुआ ने सोशल मीडिया पर दी है इसकी जानकारी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हुआ है, जो जयपुर भारत के वरिष्ठ पत्रकार थे। लंबी बीमारी के चलते विनोद दुआ का निधन हुआ है, जहां उनकी बेटी ने मौत की खबर से मीडिया जगत में एक शोक की लहर बनी है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 6 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा हुआ है। एसएसपी शैलेश पांडे ने किया है खुलासा। दुष्कर्म के बाद की गई थी बच्ची की हत्या। दो आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। थाना पटरंगा के हुसैनगंज जखोली इलाके का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से हम बता रहे हैं आपको, जहां पर 6 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा हुआ है, जहां एसएसपी शैलेश पांडे ने किया है खुलासा। दुष्कर्म के बाद की गई थी बच्ची की हत्या। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, थाना पटरंगा के हुसैनगंज का है ये पूरा मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खतरा। खतरे को देखते हुए यूपी पर्यटन विभाग की सतर्कता। विदेशों से आने वाले पर्यटकों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। विदेशी पर्यटकों पर रखी जा रही है नजर। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खतरा बढ़ा है, जिसके चलते कई दिशा निर्देश दिए गए। खतरे को देखते हुए यूपी पर्यटन विभाग भी सतर्क। विदेशों से आने वाले पर्यटकों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। विदेशी पर्यटकों पर रखी जा रही है पैनी नजर। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया है ट्वीट। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने न आंकड़े जारी किए न मुआवजा दिया। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, भारतीयों के पीड़ा संवेदना को बूटों तले कुचलना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने ना आंकड़े जारी किए ना मुआवजा दिया। सीधे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार, प्रियंका गांधी ने कहा। भारतीयों की पीड़ा संवेदना को बूटों तले मत कुचलिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सरकार ने ना आंकड़े जारी किए हैं ना ही कोई मुआवजा दिया है पीड़ितों को। मृतक के परिजनों को मुआवजा दे सरकार।